क्योंकि ये उन्होंने सारी जिम्मेदारी आप पे डाली है शिफा के लक्ष्य से। जी यार ये आवाज तो कम, यार जरा शोर कम कर, शोर कम कर दिए तो बात करेंगे। आप बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया के भाइयों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो कि पिछले इतने दिनों से आप एक पॉजिटिव कवरेज दे रहे हैं। जो भी मामलात हुए आपने बड़ा एक किरदार अदा किया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि कल मैं अदालत पेश हुआ था डबल बेंच के आगे और एक फैसला आया, उसमें फैसले में ये कहा गया कि आपने इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करवाना है और आईन के मुताबिक आप मीडिया वालों से, मैंने यही कोशिश की कि आप लोगों को एक्सेस दिया जाए असेंबली के अंदर ताकि आप भी उस कार्रवाई को देख सकें। और मेरा इरादा यही है कि इंशाल्लाह मैं फ्री एंड फेयर अकॉर्डिंग टू द बुक्स रूल्स के मुताबिक इंशाल्लाह इलेक्शन कराऊंगा। और अगर कोई ये समझ रहा है कि उसने असेंबली के अंदर आकर माहौल को ख़राब करना है, तो मैंने प्रेशर देना लेना नहीं है, मैंने प्रेशर देना है फिर इंशाल्लाह। और मेरी तमाम दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ तावन करें हर लिहाज में। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम स्मूथली जो ये प्रोसीजर है इसको कंप्लीट करें और इंशाल्लाह आपके सामने हम रिजल्ट रख देंगे। इसका किसे प्रेशर देंगे, कौन कौन हालात खराब करेगा? स्पीकर ने बात की है, स्पीकर पंजाब असेंबली ने इनडायरेक्ट वर्ड्स में आपकी नियत पर शुबे का इजहार किया है। उन्होंने यहाँ मीडिया टॉक करते हुए कहा है कि आज का दिन आपने साबित करना है कि आप किसी के दबाव में तो नहीं है, कोई इंटरेस्ट तो नहीं है आपका। अगर लड़ाई झगड़ा कोई चीज़ होती है तो उसकी जिम्मेदारी आप पर होगी और फ्री एंड फेयर यानी कि ओवरऑल जो गुफ्तगू की है वो आपकी पर्सनैलिटी पर डाउट्स के हवाले से है, पर्सनैलिटी पर डाउट्स के हवाले से है। बिल्कुल फेयर प्ले होगा, हर लिहाज में फेयर प्ले होगा, फ्री एंड फेयर होगा इंशाल्लाह। प्रेशर कौन डालेगा ये थोड़ा सा क्लियर करें कि किसे कह रहे हैं, कौन प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है? प्रेशर डालने का मकसद ये कि असेंबली हॉल के अंदर दोनों तरफ से कोशिश होगी कि माहौल ऐसा क्रिएट किया जाए कि मामलात पेंडिंग में चले जाएं, लेकिन हम ऐसा प्रेशर नहीं लेंगे। हर किसी को वोट डालने की इजाजत होगी? जी बिल्कुल, हर किसी को वोट डाल सकते हैं। जी, जी बिल्कुल, आर्टिकल 63A के तहत जो डिफेक्ट कर गए हैं अराकीन वो बिल्कुल वोट डाल सकते हैं, उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो पार्टी चीफ जो उनके हैं वो करेंगे। एक बात करें, मैं 10 मिनट बाद मान लो ना, ऑप्टिमिस्टिक है कि इलेक्शन आज ही होंगे, कंप्लीट होंगे, कोई प्रेशर नहीं लिया जाएगा। अगर कोई इस तरह का कोई मामला या रुकस एक पेंडेमोनियम क्रिएट किया जाता है तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इंशाल्लाह इलेक्शन आज ही होंगे, रिजल्ट आज ही अनाउंस होगा, आप सब देखेंगे, आप अंदर भी होंगे, आप बाहर भी होंगे, आपके सामने ही सारा। अगर किसी ने आपने पैसे ले रखे हैं, मुलाकात की है हमदा शबाज़ से, इस पर क्या कहते हैं आप? आपके पास कोई सबूत है तो मुझे दे दें, या अगर पैसे आपको उन्होंने दिए तो मुझे भी दे दें। जी मैं कल मेरी मीटिंग हुई थी और IG साहब भी उस पे सारा देख रहे हैं, उस चीज को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह सिक्योरिटी पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।